कि अभी तो टैक्सी मिली ही नहीं है, अभी तो बस मिली ही नहीं है, अभी तो ड्राइविंग सीट नहीं मिली है, सवारियां पहले बैठाने लगे हैं। और इससे आगे बढ़कर धनखड़ साहब ने कहा कि क्योंकि हुड्डा साहब जो हैं पिता पुत्र दोनों ब्राह्मणों से चोट खाए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं। जिसमें उन्होंने ये कहा कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हुड्डा साहब नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का हो यह फैसला हाईकमान का होता है, इसको फैसला नहीं, कोई कहे, तो सर ओबीसी कोई कहे, कोई कहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और आपसे बात करने चला हूं मैं हरियाणा की राजनीति पर। आप मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति के अंदर रोज कुछ नया होता है, और कब क्या हरियाणा की राजनीति में और अजीबोगरीब और नया हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कब किसी पार्टी के नेता अपने नेता के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएं और कब वो कुछ अलग भाषा बोलने लग जाएं, इसके बारे में भी आप कुछ सोच नहीं सकते। मैं आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान की, जिसमें कि उन्होंने कहा था रोहतक के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन में कहा था कि 2019 के चुनाव में हमने एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो ब्राह्मण नेता को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। सरकार आई नहीं, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बना नहीं, सरकार तो मनोहर जी की बन गई और उप मुख्यमंत्री बन गए दुष्यंत चौटाला। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अगर अब हमारी सरकार आई 2024 में तो एक ब्राह्मण नेता को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर बहुत सारी बातें कही, भगवान परशुराम की जयकार का नारा भी लगाया, लगाना भी चाहिए। भगवान परशुराम वो थे जिन्होंने कि आताताइयों से धरती को मुक्त कराया था। हालांकि लोग ये कहते हैं कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से धरती को मुक्त किया था, लेकिन मैं ये मानता हूं और अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई ही भगवान परशुराम ने उन आताताइयों से धरती को मुक्त किया था जो कहीं ना कहीं समाज और धर्म के लिए हानिकारक होते थे। खैर बात आज की कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर जो उन्होंने कहा कि अगली जो सरकार बनेगी 2024 में कांग्रेस की, तो उसके अंदर उप मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि औरों के बारे में भी फैसला करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से होगा। बस उनकी बात को हुड्डा साहब ने जो बात बोली थी उसको पकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब ने, और इसके साथ साथ उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी। तो पहले तो धनखड़ साहब ने लिया, धनखड़ साहब का वाजिब भी लगता था कि धनखड़ साहब ने कहा, लेकिन जो चौधरी उदय भान ने कहा कि ये फैसला तो आलाकमान करेगा। तो पहले आपसे बात करते हैं हम ओपी धनखड़ साहब की। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी बात कहने के लिए वो बेबाकी से जाने भी जाते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के नेता हों और चाहे वो दूसरी पार्टियों के नेता हों, धनखड़ साहब अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी सीधे सीधे व्यक्त कर देते हैं। और जो हुड्डा साहब ने ये कहा कि ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इस पर धनखड़ साहब ने ये टिप्पणी की कि अभी तो टैक्सी मिली ही नहीं है, अभी तो बस मिली ही नहीं है, अभी तो ड्राइविंग सीट नहीं मिली है, सवारियाँ पहले बैठाने लगे हैं। और इससे आगे बढ़कर धनखड़ साहब ने कहा कि क्योंकि हुड्डा साहब जो हैं पिता पुत्र दोनों ब्राह्मणों से चोट खाए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं। जो ओपी धनखड़ साहब का कहने का मकसद था, आप उसको यूं समझें कि जो उन्होंने कहा कि दोनों पिता पुत्र ब्राह्मणों से चोट खाए हुए हैं, तो आप ये माने कि 2019 का लोकसभा चुनाव था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़े थे और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़े थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी थे सोनीपत से कांग्रेस के, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी थे रोहतक से कांग्रेस के, और दोनों चुनावों में घमासान हुआ था, और दोनों चुनावों में पिता पुत्र के सामने ब्राह्मण प्रत्याशी थे। रोहतक के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के सामने अरविंद शर्मा थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक के अंदर लोकसभा चुनाव हरा दिया दीपेंद्र हुड्डा को, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सोनीपत में प्रत्याशी थे रमेश कौशिक, और रमेश कौशिक ने हरा दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 1.5 लाख मतों से। हालांकि डॉक्टर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच तो जो हार जीत का मार्जिन था लगभग 7-8 हज़ार का रहा, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रमेश कौशिक ने बड़े मार्जिन से हराया था। और उसी बात की टिप्पणी की धनखड़ साहब ने, धनखड़ साहब ने ये कहा क्योंकि दोनों पिता पुत्र
ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण मतदाताओं से, ब्राह्मण नेताओं से चोट खाए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बातें कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने, मैंने आपको जो पहले बताया, ये कहा कि अभी तो टैक्सी मिली नहीं है, सवारियाँ पहले ढूंढ रहे हैं। तो उनका जो ये कहने का मकसद था कि अभी तो सरकार आई नहीं है, अभी तो सरकार आने वाली कोई बात ही नहीं है, पहले ही घोषणाएँ कर रहे हैं। तो खैर, घोषणाएँ तो पहले ही की जाती हैं। जब भी हम राजनीति के अंदर जाते हैं, आप किसी भी राजनेता को देख लें, वो किसी भी वर्ग और संप्रदाय को, किसी भी बड़े एक समूह को साधने के लिए उसके प्रति अपनी बातें पहले ही कहता है कि अगर मुझे मौका मिला तो हम ये करेंगे। तो धनखड़ साहब, हुड्डा साहब ने भी कहा तो यही था कि अगर मेरे को टैक्सी मिल गई तो इन सवारियों को बिठाऊँगा। खैर, धनखड़ साहब बोले तो बोले, उदय भान जी भी बोले। उदय भान जी ने ये कहा, चौधरी उदय भान का एक बयान चल रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हुड्डा साहब नहीं करेंगे। कहने का मकसद उनका यही था, हालांकि सीधे सीधे तो ये कहा है कि आला कमान तय करेगा। उदय भान जी ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पार्टी आला कमान तय करेगा। जब इतने विधायक पार्टी को मिलेंगे, जब पार्टी की सरकार बनेगी, और उसके बाद में जब विधायक दल का नेता बनेगा, उसके अंदर पार्टी आला कमान की संस्तुति होगी, उसी के हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री का हो यह फैसला हाईकमान का होता है, देश को फैसला नहीं, कोई कहे, तो सर ओबीसी कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे, उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा, और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। नड्डा ने कल जो वादा किया वो झूठा किया है? मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, लेकिन ये सारा जो फैसला है वो हाईकमान का होता है। अब आपको पहले ये भी बताएं कि हुड्डा साहब के लिए पहले चौधरी उदय भान जी कहते रहे हैं कि हुड्डा साहब भावी मुख्यमंत्री हैं, हुड्डा साहब भावी मुख्यमंत्री हैं। जब किरण चौधरी और कुमारी सैलजा ने तंज कसना शुरू किया तो या तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि चौधरी उदय भान को लगा कि कहीं आगे बढ़ के ना बोलें, और या फिर कोई पार्टी आला कमान की तरफ से ऐसा कोई संदेश हुआ होगा कि चौधरी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी को साथ लेकर चलें, वो कोई बड़ी बात अलग बात ना कहें। लेकिन जो भी हो, जब हुड्डा साहब ने ये कहा कि ब्राह्मण नेता को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री होगा, और भी बहुत सारी घोषणाएं की, पर बड़ी घोषणा, राजनीतिक घोषणा ये थी, तो उसको चौधरी उदय भान ने ये कहा कि किसको क्या बनाया जाएगा ये पार्टी का आला कमान तय करेगा। चलते चलते आपके साथ एक बात और साझा कर लें कि आखिर इस चुनावी माहौल में, चुनावी सीजन में ये बातें हुई क्यों। तो हरियाणा के अंदर जो ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण समाज के जो वोट हैं, वो आप मान लिया जाए कि हरियाणा की राजनीति को खासा प्रभावित करते हैं। आज की सरकार में भले ही पंडित मूलचंद शर्मा एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, बड़ा विभाग उनके पास है, पिछली सरकार में पंडित रामविलास शर्मा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन या तो इसे ये कह लें कि कुछ मर्यादा ऐसी है कि कुछ परसेंटेज फिक्स है कि इससे ज़्यादा मंत्री बन नहीं सकते, जैसे हरियाणा के अंदर 14 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। और इसके साथ साथ या कुछ और कहें, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तादाद में ब्राह्मण मतदाता हैं, तो ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए ये बात कही जा सकती है कि उनको वो सब नहीं मिल रहा था। हरियाणा के अंदर 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो खासकर जिन पर ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में है और उन सीटों को प्रभावित करता है, करनाल, सोनीपत और रोहतक। रोहतक और सोनीपत से तो आजकल ब्राह्मण नेता सांसद भी हैं, करनाल से आईडी स्वामी और अरविंद शर्मा सांसद रह चुके हैं, करनाल से पंडित चिरंजी लाल शर्मा सांसद रह चुके हैं। तो मान लिया जाए कि ये 3 सीटें तो ऐसी हैं कि जिनको ब्राह्मण मतदाता प्रभावित करता है। इसके साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 10% के आसपास ब्राह्मण वोटर है, जो हरियाणा के अंदर एक बड़ी राजनीति को दिशा दे सकता है। और इसीलिए सोच लिया जाए, समझ लिया जाए और मान लिया जाए कि ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री की बात कही थी, लेकिन हाथों हाथ उसको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ले लिया और ये कह दिया कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बाद में तय होगा, यानी कि जब 9 मन तेल होगा तभी तो राधा नाचेगी, कहने का मतलब ये था। लेकिन इसके साथ साथ चौधरी उदय भान का भी जो ये बयान आ गया कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये पार्टी आला कमान तय करेगा, तो उसको मान लिया जाए कि उन्होंने भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कथन कहा, जो बयान दिया, जो भाषण में बात कही, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक तो लगा दी।
क्या होंगे इसके सियासी मायने, क्या आने वाले जो 2024 के चुनाव होंगे उसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान आया है वो कितना मायने रखेगा, कितना ब्राह्मण मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगा, क्या ब्राह्मण मतदाता जो पिछले चुनाव में बीजेपी के पास बहुत बड़ी संख्या में गया था क्या वैसा ही रहेगा, या उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बयान इस टिप्पणी के बाद में इस घोषणा के बाद में कुछ बदलाव आ सकता है। सियासत है, सियासत के अंदर रोज नया होता है। आपको क्या लगता है कि इस जो उन्होंने कहा हुड्डा साहब ने उसके कैसे पैगाम जाएंगे राजनीति के अंदर, क्या संदेश जाएगा और क्या परिणाम आएगा? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया हमें आप दे सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।